एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में करण नाम का एक लड़का रहता था। करण खेलकूद में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह हमेशा दूसरों के साथ खेलते वक्त हार जाता। गांव के बच्चे उसे तंग करते और उसका मजाक उड़ाते थे। करण बहुत दुखी रहता, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब वह गांव के पास के जंगल में घूम रहा था, उसे एक चमचमाती बॉल दिखाई दी। वह बॉल किसी साधारण बॉल जैसी नहीं थी। उसकी चमक इतनी तेज थी कि करण की आंखें थोड़ी देर के लिए चौंधिया गईं। करण ने वह बॉल उठाई और तुरंत महसूस किया कि यह बॉल जादुई है। जैसे ही उसने बॉल को अपने हाथों में लिया, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मैं जादुई बॉल हूँ और तुम्हें खेल में हराने का मौका नहीं दूंगी। करण पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि अगर यह सच में जादुई बॉल है तो वह गांव के बच्चों को दिखा सकता है कि वह कितना अच्छा खिलाड़ी है। अगले दिन करण उस बॉल को लेकर गांव के मैदान में गया और बच्चों से खेलने के लिए कहा। जब खेल शुरू हुआ तो करण ने बॉल से खेलते ही जादू महसूस किया। बॉल खुद ब खुद उसके पैरों के साथ चलने लगी और वह शानदार गोल करने लगा। सारे बच्चे दंग रह गए कि करण अचानक इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद करण को महसूस हुआ कि यह जादू उसे अपनी मेहनत पर भरोसा करने से रोक रहा है। उसे यह बात खलने लगी कि वह अब अपने दम पर कुछ नहीं कर रहा, बल्कि सब कुछ बॉल कर रही है। उसने फैसला किया कि अब वह इस जादुई बॉल का इस्तेमाल नहीं करेगा और खुद मेहनत करेगा। अगले दिन करण ने बॉल को उसी जंगल में जाकर वापस रख दिया जहां से उसने उसे पाया था। उसने ठान लिया कि वह अब बिना किसी जादू के अपनी मेहनत से जीत हासिल करेगा। उसने कड़ी मेहनत की, अभ्यास किया और धीरे धीरे अपने खेल में सुधार लाया। आखिरकार करण ने एक दिन अपने दम पर जीत हासिल की। गांव के सभी बच्चों ने उसकी तारीफ की और अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। करण को यह समझ आ गया था कि असली जीत हमेशा मेहनत से ही मिलती है, न कि किसी जादू से। इस तरह करण ने न केवल अपने खेल में जीत हासिल की, बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीखा, मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं।